गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे स्कार्फ फोल्डिंग के बारे में, क्योंकि एक मेरे व्यूवर्स हैं, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया है कि आप स्कार्फ फोल्डिंग पे वीडियो बनाइए। ठीक है, सो मैं ये वीडियो में आज बना रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपके पास भी ऐसा कोई टॉपिक है तो मुझे ज़रूर बताएँ, वीडियो बन जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे स्कार्फ फोल्डिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं और इसका मैं पहला वीडियो बना रहा हूँ। हो सकता है कि दो तीन वीडियो बन जाएगी इस पर, पूरी स्कार्फ फोल्डिंग के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो फ्रेंड्स, चलिए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्कार्फ फोल्डिंग क्या होता है कंस्ट्रक्शन में, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो या फिर स्कार्फ फोल्डिंग का आप काम कर रहे हो तो उसमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि स्कार्फ फोल्डिंग क्या होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में स्कार्फ फोल्डिंग का क्या रोल है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सिंपल सा भाषा है, सिंपल सा परिभाषा में हम देखेंगे कि स्कार्फ फोल्डिंग ऑल्सो कॉल्ड स्कार्फ फोल्डिंग इज अ टेम्पोररी स्ट्रक्चर सपोर्ट ए वर्क क्रू मटेरियल एड इन द कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस रिपेयर ऑफ वेल्डिंग ब्रिज एंड ऑल अदर मैन मेड स्ट्रक्चर। या फिर ये पाइपिंग फील्ड में हो या फिर सिविल में हो या फिर मैकेनिकल में हो, ये दोनों इसका फोल्डिंग ही होता है। बट इसका जो है डिफिनेशन एक ही होता है, बट उसमें जो है कहीं कहीं ये अलग अलग तरीक़ों से यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे पाइपिंग का यूज किया जाता है इसका फोल्डिंग बनाने के लिए, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे अगर आप मैकेनिकल फील्ड में काम कर रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना, तो वहाँ पे मैं आपको जो है फ्रेंड्स स्कार्फ फोल्डिंग जो इस तरह से कुछ बनेगा। तो स्कार्फ फोल्डिंग क्या है, स्कार्फ फोल्डिंग एक टेम्पोररी स्ट्रक्चर होता है फ्रेंड्स। यहाँ पे किसी भी काम को करने के लिए, अगर काम आपका हाइट पे हो, बहुत ज़्यादा 2.8 मीटर से अबव आपका काम हो रहा है तो वर्क एट हाइट पे आता है, और वर्क एट हाइट पे अगर आपको काम करना हो तो स्कार्फ फोल्डिंग बनाना रहता है। ये कंपनी के रूल होते हैं इंडस्ट्री के। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख रहे हैं स्कार्फ फोल्डिंग है, स्कार्फ फोल्डिंग एक टेम्पोररी स्ट्रक्चर है जहाँ पे मटेरियल को और वर्कर को वहाँ पे खड़े रह के काम करना रहता है, और उसको होल्डिंग करने के लिए, उसको रखने के लिए, काम करने के लिए वहाँ पे हाइट पे स्कार्फ फोल्डिंग बनाई जाती है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये स्कार्फ फोल्डिंग होती है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है पर्पस ऑफ स्कार्फ फोल्डिंग इन कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में फ्रेंड्स स्कार्फ फोल्डिंग का क्या रोल है, इसका पर्पस है, ये हम बात करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फ्रेंड्स। अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो मुझे ब्लॉग पे पढ़ सकते हैं, ब्लॉग का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ पे आप ब्लॉग को पढ़ सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पर्पस पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखेंगे कि स्कार्फ फोल्डिंग इन पाइपिंग कंस्ट्रक्शन इट्स अ टेम्पोररी प्लेटफॉर्म यूज टू इलिवेटेड एंड सपोर्ट वर्कर एंड मटेरियल ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। इट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर प्लैंक्स कन्वीनियंट साइज ऑफ लेंथ। ठीक है ना, तो इसका लेंथ भी एक यहाँ पे रखा गया है, लेंथ इसका क्या होना चाहिए कंस्ट्रक्शन में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है प्लैंक्स भी होते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स, वही परिभाषा है जो मैं बता दूँ, स्कार्फ फोल्डिंग मेन और मटेरियल को होल्ड करने के लिए, वहाँ पे काम करने के लिए, वर्क के टाइट पे काम हो रहा है तो इसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, पर्पस इसका ये होता है, हम देखेंगे कि प्लैंक्स होता क्या है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, पिक्चर में आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे ये प्लैंक्स है, यहाँ पे प्लैंक्स पे खड़े रह के हमको यहाँ पे काम करना रहता है। ठीक है ना, ये आदमी को या फिर मटेरियल को होल्ड करने के लिए रहता है। ठीक है, यहाँ पे है, मैं आपको दूसरा पिक दिखा देता हूँ प्लैंक्स का, एक यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है ना, तो ये प्लैंक्स, इसका एक साइज होता है 225 mm होता है, विथ होता है इसका। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको दिखेगा प्लैंक्स। ठीक है, ये वाला जो है, ये एरिया जो है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, चलिए हम बढ़ते हैं, ये तो रहा क्वेश्चन दो, और क्वेश्चन नंबर तीन पे हम बढ़ते हैं। ये क्या देखिएगा, व्हाट इज़ द मिनिमम विथ ऑफ स्कार्फोल्ड प्लैंक। तो इसका कम से कम जो फ्रेंड्स विथ होता है वो 220 mm या फिर 225 mm होता है फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे पीक में देख सकते हो फ्रेंड्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो 225 mm इसका विथ होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप ये पीक में जैसे कि देख सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो मुझे आप व्हाट्सएप का एक ग्रुप लिंक आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उससे आप ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर फ्रेंड्स। यहाँ पे है टाइप्स ऑफ स्कार्फ फोल्ड, हम स्कार्फ फोल्ड के टाइप्स देखेंगे क्या क्या होती है। तो यहाँ पे सिंगल पोल स्टैंडर्ड टाइप स्कार्फ फोल्डिंग पुट लॉग स्कार्फ फोल्डिंग होती है, यहाँ पे डबल पोल स्टैंडर्ड टाइप स्कार्फ फोल्डिंग जो कि जिसको इंडिपेंडेंट स्कार्फ फोल्डिंग भी कहते हैं, रोलिंग स्कार्फ फोल्ड होता है, ट्रेस्टल मोबाइल टावर मोबाइल स्कार्फ फोल्डिंग, आउटरिगर स्कार्फ फोल्डिंग, स्विंगिंग हैंगिंग इसको कहते हैं स्कार्फ फोल्ड, और सस्पेंडेड स्कार्फ फोल्ड होता है। तो फ्रेंड्स, ये इसके टाइप्स हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर फाइव है स्कार्फ फोल्डिंग के पार्ट्स क्या क्या होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका पार्ट्स। ठीक है, स्कार्फ फोल्डिंग ट्यूब होती है, स्कार्फ फोल्डिंग क्लैम्प्स, कॉपलर्स, बेस प्लेट, स्कार्फ फोल्डिंग प्लैंक्स होती है। ठीक है ना, तो ये सारे इसके पार्ट्स है, ट्यूब बोर्ड होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम पिक्चर में देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे जो आपको पिक्चर में दिखाया गया है फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, ये जो सबसे ऊपर वाला जो एरिया होता है इसे हम कहते हैं टॉप रेल कर सकते हैं। सबसे ऊपर जो होता है टॉप रेल कर सकते हैं उसको। और फ्रेंड्स, उसके बाद से यहाँ पे जो है
यहाँ पे मिड रेल आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि ये जो है ना टॉप रेल है और इसके बीच में ये वाला जो है एरिया ये मिड रेल है, ठीक है। और यहाँ पे फ्रेंड्स ये टो बोर्ड लगा रहता है, ठीक है ना, ये ऐसे टो बोर्ड रहता है, ठीक है, मैं आपको बता दें ऐसे ये टो बोर्ड है, ठीक है ना। तो ये टो बोर्ड का भी एक साइज रखा गया है, क्या स्टैंडर्ड साइड है और फिर टो बोर्ड है और उसके बाद से इसका स्टैंडर्ड है जो भी है, ठीक है, स्टैंडर्ड पाइप में। उसके बाद से इसे लेडर लगा हुआ है, आप ये लेडर देख सकते हैं, जैसे कि आपके सामने जो लेडर दिख रहा है। तो फ्रेंड्स उसके बाद से यहाँ पे बेस प्लेट मैंने जैसे कि आपको बताया था कि बेस प्लेट जो है फ्रेंड्स यहाँ पे नीचे आपको दिख जाएगा, तो ये बेस प्लेट होता है जी ना। इसका फॉलिंग में चार जो आपका पिलर जो रहता है ना, पिलर के सबसे नीचे बेस प्लेट लगे रहते हैं, ठीक है, जिसे हम बेस प्लेट कहते हैं, ताकि बेस प्लेट लगाए जाते हैं ताकि जो स्काफोल्ड पाइप है वो आपके ज़मीन में या फिर धंसे ना, जिसकी वजह से स्काफोल्डिंग कोलैप्स ना हो। सो इसलिए टूबेट का यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। चलिए हम देखते हैं आगे, यहाँ स्काफोल्ड प्लांक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे जो है स्काफोल्ड प्लांक्स आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे ये वाला जो है ये प्लांक्स है, ठीक है ना, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉपलर है जिसको हम कनेक्ट करते हैं पाइप को एक दूसरे से, ब्रेसिंग से कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे ट्रांसवर्स ब्रेसिंग है यहाँ पे, ठीक है ना। ये वाला जो एरिया ऐसे जैसे जहाँ पे आपको दिख रहा है क्रॉस वाला, ये ट्रांसवर्स, इसे ब्रेसिंग कहते हैं, ठीक है ना, ये ट्रांसवर्स इसको ब्रेसिंग कहते हैं, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता है आपसे एक नए वीडियो में। स्काफोल्डिंग के वीडियो बनाऊंगा, इसमें डिटेल में जानकारी, इसमें तो बस इस वीडियो में इतना ही बात करूंगा, ठीक है। अगले वीडियो में डिटेल में बात करता हूं और इस वीडियो में जितना भी आपको बताया उसको आप गेन कर लीजिए, अच्छे से वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देख लीजिएगा। और मिलते हैं आपसे, इसका पार्ट टू वीडियो आएगा स्काफोल्डिंग का, तो उस वीडियो में हम बात करेंगे स्काफोल्डिंग के बाकी जो टॉपिक बचे हुए हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो कैसा लगा वीडियो फीडबैक जरूर दीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।